श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। अगर आपको लगता है अगर आपके जीवन में मान सम्मान की कमी है, अगर आपको ऐसा लगता है जहाँ कहीं भी आप काम करते हो वहाँ आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा, यानी इज्जत नहीं मिल रही है, कोई भी व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित नहीं होते, यानी आपकी बात को महत्व नहीं दिया जाता है, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, धन आने के कोई भी मार्ग नहीं है, और आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत समय से अधूरी है और आप उपाय कर करके थक चुके हो, या फिर आपको आपके घर में किसी बीमारी ने घेरा हुआ है, तो आपको इन सारी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही छोटा सा उपाय जो आपको करना है रविवार के दिन, यानी आज। देखिए, आप आज भी इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर आप आने वाले किसी भी रविवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। मात्र आपको दो दीपक तैयार करने हैं। आपके जीवन में जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, चाहे वो नौकरी से जुड़ी हुई है, या फिर आपके मान सम्मान आपको नहीं मिल रहा है उससे जुड़ी हुई है, या फिर आपके जीवन में बहुत अधिक कर्ज हो गया है, तो इन सारी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आपको करना है बहुत ही प्यारा सा उपाय। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को भी मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं उपाय के बारे में कि उपाय किस प्रकार से करना है और किन लोगों को करना है। तो देखिए, जिन लोगों का भाग्य है उनका साथ नहीं दे रहा है, किस्मत है वो चमक नहीं रही है, यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी काम में आप हाथ डाल रहे हो तो उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है। अगर नौकरी के लिए आप तलाश कर रहे हैं नौकरी की, नौकरी मिल नहीं रही है, और अपने जीवन में मान सम्मान चाहते हैं, तो आपको करना है ये सुंदर सा उपाय। तो देखिए, आज है रविवार का दिन, और रविवार का दिन किसको समर्पित होता है? भगवान सूर्य देव को। और सूर्य देव क्या होते हैं? वो तेजस्वी होते हैं, वो हमें तेज की वृद्धि करते हैं हमारे जीवन में ना। अगर हमारे जीवन में हमारा जो सूर्य ग्रह है वो अगर हमारे जीवन में मजबूत होता है तो हमारे जो काम है ना वो बनने लग जाते हैं, हमारे जीवन में हमारा मान सम्मान बढ़ता है, हम तेजस्वी बनते हैं। तो इसी दिन आपको करना है ये उपाय। किस प्रकार से करना है अब आपको ये समझना है। तो देखिए, आपको इस उपाय के लिए मात्र दो दीपक लेने हैं। दीपक आप माटी के ले लीजिए, ठीक है ना, और इस दीपक के अंदर आपको एक दीपक के अंदर आपको भरना है शुद्ध गौ माता का घी, ठीक है ना, और दूसरे दीपक के अंदर आपको भरना है तेल। अब देखिए, ये तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप तिल का तेल लेना चाहें तो तिल का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल लेना चाहें तो आप सरसों का तेल ले सकते हैं। और देखिए, इन दोनों दीपकों के अंदर आपको बाती कौन सी लगानी है? आपको इनके अंदर लगानी है गोल बाती, ठीक है ना। तो हमारे दो दीपक तैयार हो गए। अब इसी के साथ हमको लेने हैं मात्र 5 लौंग। अब देखिए, जब आप लौंग लो तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो लौंग है उसके ऊपर फूल होना चाहिए, यानी वो खंडित नहीं होनी चाहिए। कभी भी उपायों में हमें खंडित लौंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आपको मात्र 5 लौंगें ले लेनी है, ठीक है ना। देखिए, अब इसी के साथ आपको लेना है 1 मुट्ठी काले तिल। देखिए, अगर आप एक मुट्ठी ले सकते हैं तो एक मुट्ठी ले लीजिए, नहीं तो एक चुटकी तो काले तिल आपको लेने ही लेने हैं, ठीक है ना। तो एक चुटकी आपको काले तिल ले लेने हैं। काले तिल जो क्या होते हैं, वो हमारे भाग्य को उदय करते हैं, और हमारे जीवन में जो भी कर्ज की समस्या होती है ना उसे दूर करने के लिए काले तिल बहुत ही ज़्यादा उत्तम होते हैं, बहुत ही विशेष होते हैं। तो हमें एक चुटकी काले तिल ले लेने हैं, ठीक है। अब देखिए, आपने ये सामग्री ले ली। अब इसी के साथ आपको एक लक्ष्मी के रूप में आपको एक सिक्का ले लेना है, यानी आप 1 रुपये का सिक्का ले सकते हैं, 2 का ले सकते हैं, कोई भी एक सिक्का आपको ले लेना है। तो हमने 1 रुपये का सिक्का ले लिया।
अब ये सारी सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन चले जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के पास, घर के आसपास हो तो आप वहाँ जाके कर सकते हैं जो पूजने हो, या फिर आप मंदिर में जा करके करके आ सकते हैं बेलपत्र के वृक्ष के पास ही। तो देखिए आपको क्या करना है, आप बेलपत्र के वृक्ष के पास आ गए तो आपको उत्तरमुखी होकर के बैठ जाना है, ठीक है ना। सबसे पहले बैठ गए, अब देखिए आपको क्या करना है, आपको बेलपत्र के वृक्ष के पास ही एक छोटा सा गड्ढा खोद लेना है, ज़्यादा गहरा नहीं, बिल्कुल छोटा सा गड्ढा खोद लेना है। अब देखिए क्या करना है, जो आप एक मुट्ठी काले तिल लेके आए ना, काले तिल या एक चुटकी, तो सबसे पहले आपको वो काले तिल इस गड्ढे के अंदर डाल देने हैं, ठीक है ना। इसी के साथ आपको जो आप 5 लौंगे लेके आए हैं वो भी आपको इसी गड्ढे में डाल देनी है। साथ ही आप जो 1 रुपये का सिक्का लेके आए ना, या आप जो सा भी सिक्का लेके आए हैं, वो आपको इसी गड्ढे के अंदर डाल देनी है, अपना नाम और गोत्र को बोल करके और अपनी कामना को बोल करके। जिस भी कामना से आप इस उपाय को कर रहे हैं ना, उस कामना को भी आपको बोल देना है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको ये जो गड्ढा है इसको बंद कर देना है, यानी मिट्टी भर देनी है इसके अंदर, ठीक है ना। तो देखिए आपने गड्ढा बंद कर दिया, अब आपको क्या करना है, आप देखिए आपको वहीं पर बेलपत्र के वृक्ष के पास ही आसन लगा करके बैठ जाना है, ठीक है ना। अब देखिए आप आसन लगा के बैठ गए, अब आपके सीधे हाथ की तरफ यानी आपके राइट साइड आपको जो आपने 2 दीपक तैयार कर रहे हैं ना, तो जो आपने घी वाला दीपक तैयार किया है ना, उस दीपक को आपको अपने हाथ के सीधे तरफ यानी कि आपके राइट साइड पे आपको आज के दिन प्रज्वलित कर देना है, यानी उसे जला देना है दीपक को। और जब आप दीपक को ज़मीन में नीचे रखेंगे तो आपको उसे आसन ज़रूर देना है। चावल रख दीजिए आप दीपक के नीचे, या गेहूँ रख दीजिए, कुछ भी अपनी कामना को बोल करके आपको सीधी तरफ अपना घी वाला दीपक एक प्रज्वलित कर देना है, ठीक है ना। अब देखिए अब आपके उल्टी तरफ यानी आपके उल्टे हाथ की तरफ आपको जो दूसरा दीपक है ना, यानी कि जो तेल का दीपक आपने तैयार किया था, वो आपको आपके हाथ के उल्टी तरफ आपको इसे प्रज्वलित कर देना है अपनी मनोकामना को बोल करके। और जब आप ये दोनों दीपकों को प्रज्वलित कर लोगे, उसके बाद आपको महादेव जी के कोई से भी मंत्र यानी कि आप किसी भी मंत्र का आपको जाप करना है, जैसे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, यानी आपको 108 बार मंत्रों का जाप कर लेना है, ठीक है ना। और इस प्रकार से आपको अपनी मनोकामना को बोल करके, महादेव जी से अपनी मनोकामना को बोल करके आपको ये सुंदर सा उपाय करना है, और उसके बाद आपको सीधे अपने घर चले आना है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है जो भी व्यक्ति इस प्रकार से ये उपाय करता है ना, वो भी रविवार के दिन, तो उसके जीवन में जो भी उसके जीवन में उसे सफलता नहीं मिल रही, या उसके जीवन में बहुत अधिक दुर्भाग्य है, या उसका भाग्य चमक नहीं रहा है, तो उसके जीवन से ये सारी परेशानियां मात्र इस सुंदर से उपाय को करने से जल्द ही धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। बहुत ही विशेष उपाय है जो हर व्यक्ति को ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव।